हेलो यूवर्स, कल आप कहाँ गई थी? मैं पापा के घर गई। अरे नहीं, इस्माइल के घर पे गई थी ना कल आप? नहीं गई थी। इस्माइल के घर नहीं गई थी आप? नानी के घर पे गई थी। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ने जाती हो? हाँ। आप प्रेप प्रेप गलो। चलो, हाँ तो व्यूअर्स, यहाँ पर जो है अभी लाइट मेरी आ चुकी है और मैंने क्या क्या तैयारी की है वड़ा पाव की, तो आपको दिखाती हूँ और फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बेसन जो है वो और उसका बैटर बनाकर रख दूँगी ताकि वो अच्छे से जो है वो तैयार हो जाए वड़ा पाव के लिए। उसके लिए चटनी बनाऊँगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हालिया में देखिए मेरे घर में किस तरह का कबाड़ा निकाला हुआ है। सारे डिवाइडर के बर्तन इससे निकाल दिए। किसके लिए? आपके लिए। मुझे नहीं खाना। खाना ये देखिए सारे बर्तन किस तरह से निकाल कर बैठी हुई है। ये मेरे ऐसे ही काम करती है, मेरे जो है वो डिवाइडर के अंदर कोई भी चीज नहीं रहने देती। क्यों? पैसे खाओ अपना। तो चलिए ये खेल रही है, मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो ये सबसे पहले जो है मैं ले लेती हूँ बेसन। तो सबसे पहले बेसन को रेडी करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो ये देखिए वड़ा पाव के लिए सबसे जो मेन इसका जो है इंग्रेडिएंट्स वो है आलू। पोटैटो मैंने ले लिए है, आलू बॉईल करके रख दिए है। तो और मैंने ले लिए यहाँ पर प्याज, इसको भी मैंने जो है वो गोल वाली चॉप कर ली है बारीक बारीक, तो ये भी हमें चाहिए इसके लिए। और मैंने ले लिया है बेसन, बेसन का हम अच्छा सा बैटर बनाएंगे थिक सा। और चटनी के लिए देखिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। यहाँ पे मैंने एक गड्डी ले ली है धनिया की और एक गड्डी ले ली है मैंने पुदीने की और जो है ये लहसुन मैंने ले लिया है, बट मेरे पास हरी मिर्च नहीं है। तो हरी मिर्च नहीं है कोई बात नहीं, हम हरा मसाला यूज़ कर लेंगे। और इसके लिए जो है मैं ले लूँगी एक प्याज और ये हमें चाहिए बटाटा वड़ा के लिए। तो वड़े में हम जो है इसका बघार डालेंगे, तो मैं आपको सारा जो है वो बताती हूँ प्रोसेस क्या क्या है, ये देखिए। तो व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अच्छा थिक सा जो है वो उसका बैटर रेडी कर लूँगी ताकि जो है उसे 5 से 10 मिनट मिलेंगे तो बेसन अच्छी तरीके से जो है वो अच्छा सा फूल जाएगा और अच्छी सी जो है हमारे वड़े पर जो अच्छे से ना उसकी फिलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और एक चम्मच मैंने जो है वो लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर आधा चम्मच बेकिंग पाउडर जो है इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है हमें जितनी ज़रूरत रहेगी उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से जो है बहुत ज़्यादा सा हमें हैंड बीटर से, अगर हैंड बीटर नहीं है तो आपके पास जो भी हो, मेरे पास भी यही है, मेरे पास भी हैंड बीटर नहीं है, तो हाथ से ही मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, इतना करूँगी कि इसकी जो है एक एक जो है वो लंग्स ना बने। तो अच्छे से जो है उसका थिक सा बैटर मेरा रेडी हो गया है, बस अभी जो है हम करते हैं दूसरी चीज़ें रेडी। तो आलू भी जो है मैंने रख दिए, उसे भी जो अच्छे से मैच कर लेते हैं आलू को भी, और फिर सारा काम रेडी हो जाएगा तो बनाने में बिल्कुल आसानी है, फिर देर नहीं लगती। तैयारी जो है हमें ऐसा लगता है कि हम तैयारी ना करें और बहुत ज़्यादा मेहनत है, ऐसी कोई बात नहीं होती। मेहनत तो जैसे करनी ही पड़ती है अगर अच्छा खाना है और फ्रेश खाना है। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ सबसे पहले जो है मैंने ले लिया है चटनी के लिए एक प्याज ले ली और टमाटर नहीं है क्योंकि आपको पता है इतने महंगे हैं, तो मैं टमाटर नहीं यूज़ कर रही यहाँ, तो ये तो ऑप्शनल है अगर आप डालें या ना डालें। तो यहाँ मैंने एक गड्डी ले ली है धनिया की, एक गड्डी जो है वो मैंने ले ली है पुदीने की, और यहाँ पर इमली भी मेरे पास नहीं है, मैंने कहा पड़ी हुई बट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर ले लिया है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मैंने ले लिया ज़ीरा नमक टेस्ट के हिसाब से, और अदरक लहसुन हरा मसाला जो मैंने पीसा था वो जब आप साबुत डाल दें या मसाला डाल दें कोई वो ऐसा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी को रेडी करते हैं और यहाँ देखें बैटर इतना अच्छा सा मैंने रेडी कर लिया है। तो चलिए फटाफट से पहले चटनी को ग्राइंड कर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चटनी को भी कर दूँगी साथ ब साथ ग्राइंड क्योंकि चटनी का भी काम होता है, और चटनी मुझे एक और बनानी थी टमाटर की, जो कि टमाटर अभी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो टमाटर अच्छे खासे इसमें चाहिए। तो आप लोग साथ में शेयर करूँगी, 2-3 चटनियों की रेसिपी भी करूँगी शेयर। अभी मैंने कहा चलो ये वाले और इसमें भी जो है टमाटर, एक टमाटर यूज़ होता है, यहाँ पर मेरे पास नहीं है और महंगे भी बहुत ज़्यादा थे तो मैंने नहीं यूज़ किया, तो मैंने यहाँ पर जो है वो
एक प्याज यूज़ कर ली और एक टमाटर भी इसमें एक के साथ ऐड होता है। तो ये देखिए कड़ी पत्ते हानिया को दिखा रही थी और बहुत इसमें अच्छी सी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा खुशबू। तो आनिया कह रही थी मम्मा ये क्या है, तो मुझसे ही बता रही थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी अच्छी सी जो है वो चटनी रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने जो है वो थोड़ा सा अमचूर पाउडर फिर थोड़ा सा और जो है इसमें मैंने यूज़ कर लिया था। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने जो है वो सारी चीज़ें रेडी कर ली है। आलू में जो हमें मसाले चाहिए उसके लिए देखिए मैं चटनी भी जो है वो तैयार कर ली है और चटनी हमारी रेडी है, वो ज़बरदस्त सी बनी है, इसमें दही की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें मैंने आलू के लिए मसाले के लिए मैंने एक आधा चम्मच राई, एक चम्मच ज़ीरा, कुछ कड़ी पत्ते के सीड्स ले लिए हैं और यहाँ मैंने ले लिया है एक चम्मच डेढ़ चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जो है वो मैंने ले लिया है यहाँ अमचूर पाउडर, नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए अब रेडी करते हैं। और यहाँ मैंने देखे ताज़े ताज़े से मंगवा लिए हैं पाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो व्यूअर्स यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल जैसे मेरा गर्म हुआ तो मैंने यहाँ पर जो है राई को थोड़ा सा राई जो थोड़ी सी भून जाएगी हमारी, तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ज़ीरा और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरा मेरा अच्छे से जो है वो भून चुका है, तो मैं इसमें साथ साथ कड़ी पत्ते ऐड करूँगी। और इसका जो तड़का मज़े का बनता है ना आलू के साथ, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आता है। और बहुत ही मुझे कड़ी पत्ते तो आलू भी जब मैं बनाती हूँ उसमें भी कड़ी पत्ते वाले आलू जो बनते हैं ना वो ज़बरदस्त लगते हैं मुझे। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे और ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल ही थे। तो यहाँ पर जो है इस स्टेज पर मैं इसमें मैच किए हुए आलू ऐड कर दूंगी और इससे जो है अच्छे से मिक्स करके सारे मसाले ड्राई मसाले जो मैंने निकाल के रखे वो भी ऐड करूंगी, उसे अच्छे से जो है मैं इसे भून लूंगी और उसके बाद जो है मैं अच्छे से चम्मच से भी मैच कर लूंगी ताकि मसाला अच्छे से इसमें ऐड हो जाए। तो यहाँ पर जो है अब मैं ऐड करूँगी ड्राई मसाले अपने और थोड़ा सा इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से वो भी मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ अच्छे से हम इसे कर लेंगे मिक्सअप और फिर मैं इसे चम्मच से भी कर लूँगी ताकि अच्छा सा मसाला जो है हमारा मैच आलू में जो है अच्छे से लग जाए और खाने में जो है हमें आए मज़ा। फिर जो है इसे कर लेंगे हम ठंडा। ठंडा होने के बाद ही मैंने इसके बना लिए थे वड़े, तो क्योंकि गरम गरम बनाओगे तो फ्राई में फिर आपको पता है बेसन की कोटिंग भी नहीं लगेगी इसमें, तो इसमें थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है ताकि मसाला जो है हमारा ठंडा हो जाए आलू का मिक्सचर, उसके बाद ही जो है हम इसके बनाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बने थे और मेरे हस्बैंड ने और मैंने ही खाया वैसे। तो अभी अब जो है हम इसे करेंगे ठंडा और उसके बाद इसके बना लेंगे हम बड़े और उसको करेंगे फ्राई। तो इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर जो है मेरा बैटर ठंडा हो चुका था, सॉरी मिक्सचर। तो यहाँ पर जो है मैंने बड़े फ्राई करने के लिए रख दिए और मुझे हरी मिर्ची भी चाहिए थी, वो भी मुझे जो है वो फ्राई करनी थी, मैं भूल गई जल्दी जल्दी में। और बहुत ही ज़्यादा आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे और पाव भी बिल्कुल फ्रेश और ताज़े थे, सॉफ्ट थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो साथ के साथ मैं यहाँ पर जो है वो पाव भी हल्की आँच पर इसे सेक लूँगी, कोई घी या तेल में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे जो है वो घी तेल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसी तरह से बस इसे हल्की से वो गर्म कर लूँगी और माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कुरकुरे से बने थे ये। तो ये अगर वैसे भी खा लिए जाए तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मुझे काफ़ी दिन से जो है वो दिल हो रहा था कि आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ और मुझे खाने भी थे, तो इस वजह से। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फ्राई और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी दे देना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हुए और दूसरे भी जो है मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो यहाँ पर जो है अब मैं पाव भी जो है साथ साथ गर्म रख दूँगी, तेल या घी मक्खन का यूज़ नहीं करूँगी मैं बटर का क्योंकि मुझे नहीं अच्छे लगते। अगर आपको अच्छे लगते तो आप बटर लगाकर इसे थोड़ा थोड़ा सा सेक लेना, बट मैं इसे सिर्फ अभी गर्म कर रही हूँ हल्का हल्का सा।
तो यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके थे और चलो अब इसे अच्छे से जो है वो गर्म हो गए हैं और वड़े भी हमारे रेडी हैं। तो करते हैं इसे हम तैयार, इसके फिल करते हैं इसे और डेकोरेट करते हैं और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि कैसे बने थे। और आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और प्यारे प्यारे कमेंट जिस तरह आप करते हैं इसी तरह से प्यारे कमेंट मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आप किस तरह बनाते हैं वो भी मुझे लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पर जो है वड़े हमारे गर्म हो रहे हैं और सॉरी पाव हमारे गर्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ इसे तो इंडिया में पाव ही कहते हैं, हम यहाँ पर जो है वो इसे डबल रोटी कहते हैं और बन कबाब की डबल रोटी। तो यहाँ मेरी सारी तैयारी रेडी है, तो चलिए इसे करते हैं फिल। मैंने बीच में से जो इस तरह से इसे कट कर लिया था और यहाँ मैं लगा लूँगी चटनी। अगर आपको टमाटर वाली चटनी या केचप पसंद है वो भी लगा सकते हैं, मुझे जो है वो ज़्यादा केचप पसंद नहीं है। तो इस तरह से इसे कर लेंगे हम फिल और इसे थोड़ा सा करेंगे प्रेस और साथ बाय साथ जो है हम इस साइड में लगा देंगे, प्याज भी रख देंगे। तो दूसरा भी मैं आपको फिल करके इसी तरीके से जो है आप फिल कर दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए बस भी मिलती हूँ मैं आपसे प्लेट को जो है अच्छी तरीके से रेडी करने के बाद। तो इसी तरीके से सारे जो मैंने बना लिए थे और उसके बाद जो मैंने खाए मज़े से, वाह वाह बहुत ज़बरदस्त। तो जिसके मुंह में आ रहा है पानी हो चुका है मेरा बड़ा पाव। तो आप लोग देखें किस तरह मज़े के लग रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हम इसे खा लें। ये है इंडियन स्टाइल के वड़ा पाव, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी हुई रेसिपी। और जिसके मुंह में आ रहा है पानी तो आइए मेरे साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक कैसा है। तो चलिए आइए वे मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त से वड़ा पाव इंडियन स्टाइल के, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो अच्छे लगेंगे और मुझे जो है बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई, मेरे मुँह में आ रहा है पानी, तो मैं ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा बना है। ठीक है, तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह ज़बरदस्त से बने हैं वड़ा पाव और आप लोग भी आइए मेरे साथ इंजॉय करें। तो व्यूअर्स आज का आपको वड़ा पाव अच्छे लगे हों आज के, तो आप लोग लाजमी जो है वो लाइक कर देना, वीडियो को एंड तक वॉच करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी उम्मीद के साथ कि आपका व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।